हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक। दोस्तों, आजकल लगभग सभी घरों में चूहों ने आतंक मचा रखा है, जिससे बहुत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो उन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन उनको भगाना जरूर चाहते हैं। ये सब देख के शायद इन चूहों को महाराजा की तरह फीलिंग आने लगी है और खुलेआम इन्होंने आतंक मचा रखा है। तो आपकी समस्या का समाधान हमने खोज लिया है, जिससे ये चूहे मरेंगे तो नहीं, लेकिन आपके घर पे क्या, आपके पड़ोसी के घर के आसपास भी नहीं अटकेंगे, जिसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इन चूहों को अगर भगाना है तो आपको इन्हें अपने पास बुलाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चूहे हमारे पास आखिर क्यों और कैसे आएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि चूहों को खाने की खुशबू बहुत ही पसंद आती है और वो अपने आप को खाने की तरफ जाने से रोक भी नहीं पाते हैं। चूहों को दोस्तों खाने में चीनी, गेहूं का आटा और घी बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, और इनमें से कोई भी चीज अगर उनको दिखाई दे जाए तो ना चाहते हुए भी वह वहाँ पहुँच ही जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं चूहे भगाने की ट्रिक के बारे में। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा गेहूं का आटा। अब इसमें डालना है आपको थोड़ा सा घी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा करने से कौन से चूहे भागते हैं, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको डालनी है इसमें थोड़ी सी पीसी हुई चीनी, और अब आपको डालना है थोड़ा सा पानी। इसके बाद आप इसे अच्छे से गूंद लीजिए। फ्रेंड्स, आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा टाइट नहीं गूंदना है, हल्के हाथों से ही करना है। गूंदने के बाद आप इसे छोटे छोटे पीस बना लीजिए। पीस बनाने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा डिटर्जेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डिटर्जेंट। अब आपको लेनी है एक फिनाइल की गोली, जिससे आपको पीस कर पाउडर बना लेना है। अब सर्फ में इस पाउडर को मिक्स कर लीजिए। इसके बाद गूंदे हुए आटे के बीच में इस मिक्सर को डाल के छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, कुछ इस तरह से। इस सारे आटे से आप गोलियां बना लीजिए। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सर्फ और फिनाइल इसमें पहले भी डाल सकते थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चूहे बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। अगर उनको सर्फ या फिर फिनाइल की जरा से भी खुशबू आ जाती है तो वो इस गोली के आसपास आते ही नहीं, लेकिन सर्फ और फिनाइल को इसके अंदर डालने से वो इस चीनी और आटे को खाने जरूर आएंगे। अब जैसे ही वो इसे आधा खाएंगे तो फिनाइल और सर्फ उनके मुंह में जाएगा, तो उनको नानी याद आ जाएगी और वो आपके घर से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। राधे राधे। दोस्तों, बारिश के इस मौसम के चलते बहुत ज्यादा मच्छर हो रखे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इन मच्छरों के काटने से बहुत से लोगों को फ्लू हो जाता है, जिसके चलते लोग इनसे बचने के लिए अलग अलग स्प्रे यूज करते हैं और कई तरह की कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होते हैं, और इन सभी चीजों को रोज इस्तेमाल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब आपकी समस्या का हम एक घरेलू समाधान लेके आए हैं, जो आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगा और जिसे आप अपने घर बैठे बैठे आराम से बना सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करने के बाद मच्छर आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगे, जिसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले आपको चाहिए नीम के पत्ते। दोस्तों, एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि नीम दो प्रकार के होते हैं, एक मीठा और एक कड़वा, तो आपको कड़वे नीम के ही पत्ते लेने हैं। अब इन पत्तों को आप कुछ इस तरह से एक पेपर के ऊपर निकाल लीजिए और इन्हें एक से दो दिन के लिए सूखने के लिए रख दीजिए।
इन पत्तियों के सूखने के बाद आप इन्हें हाथों से कुछ इस तरह से अच्छे से क्रश कर लीजिए। अब आपको इसमें डालने हैं प्याज के छिलके और थोड़े से लहसुन के छिलके। अब इसमें आपको डालने हैं 7 से 8 तेज पत्ते जिन्हें आप अच्छे से क्रश कर लीजिए। अब इन सभी चीजों को आप मिक्सी में डाल लीजिए। मिक्सी में डालने के बाद अब आपको डालनी है 3 या 4 लौंग। आप इसमें डालिए 2 या 3 कपूर की गोलियां। अब आप इन सभी को अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद आप एक मिट्टी का दिया लीजिए और उसमें ये डाल लीजिए। उसके बाद आप इसमें एक कपूर की टिक्की डाल दीजिए जिससे ये फटाफट जलने लग जाए। अब दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे थोड़ी देर बाद बुझा देना है, इसे पूरा नहीं जलाना है क्योंकि आपको सिर्फ इसके धुएं का इस्तेमाल करना है। अब आपको जहां कहीं भी मच्छर लगे वहां इस दिए को लगा दीजिए और रूम को बंद कर दीजिए। इसको लगाने के बाद आपको एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।